हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो स्वागत है आपका अपना खूबसूरत चैनल द एम्बिशन बाय रॉबिन्सन में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का खूबसूरत सा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं तरह तरह के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए, आज हमारा जर्नी जो है क्लास 12th का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में हमारा लिखा हुआ है, और हमारा टाइम जो है टी बराबर आज से जीरो से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं हम। तो मिटा दो इसको। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिकली समझने से पहले आप समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हम लोग कह सकते हैं विद्युत चुंबकत्व, इसको कह देंगे विद्युत चुंबकत्व कहेंगे, ठीक है? अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देखोगे चार्ज से रिलेटेड को आपको दिखाएंगे। आज चार्ज से रिलेटेड, तो देखिए चार्ज से रिलेटेड क्या होगा। चार्ज से रिलेटेड जब चार्ज रेस्ट में रहेगा अर्थात वी बराबर जीरो, यानी चार्ज किसमें है? रेस्ट में है, ठीक है? उसके बाद दूसरे कंडीशन में जब हम लोग देखेंगे, जब ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है, ठीक है? तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं? तो उस समय हम लोग देखते हैं कि एक मोशन में चल रहा है, ठीक है? उसके बाद थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? थर्ड कंडीशन में क्या देखते हैं कि जब यह कांस्टेंट नहीं, नियत नहीं चलती है, यानी कांस्टेंट जब ये नहीं होती है, अर्थात जब ये कांस्टेंट नहीं होती है, अर्थात जब यह नियत नहीं होती है, अर्थात ये एक्सेलरेट होती है। क्या होती है? एक्सेलरेट। क्या होती है? एक्सेलरेट, यानी भी जो है नॉट इक्वल टू होगा हमारा किसका? जीरो का। तो ऐसे कंडीशन में जब चार्ज रेस्ट में रहेगा, जब चार्ज किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा, तो हम लोग कह देंगे कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हम लोगों का आ जाएगा पार्ट कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा। जब हमारा चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में होगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, जब ये दोनों मोशन हो, चाहे एक्सेलरेट हो, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत। किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत, जिसको हम लोग कहेंगे विद्युत गतिकी। जिसको क्या कहेंगे? विद्युत गतिकी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज किसमें आ गया? मोशन में। यहाँ भी चार्ज हो रहा लेकिन एक्सेलरेट कर रहा। जब चार्ज मोशन में आ जाए या एक्सेलरेट करे तो वो क्या कहलाएगा? तो विद्युत गतिकी के अंतर्गत में आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। अब इसमें जो है हम लोग बात, बेसिकली बात हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, चार्जेस पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे इलेक्ट्रिक, इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इसी में आ जाएगा हम लोगों का कूलम्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है? इसी में हमारा आ जाएगा कैपेसिटर वगैरह का बात करेंगे। कूलम्स में भी एक आ जाएगा गॉस वगैरह की भी बात करेंगे, हम लोग गॉस लॉ की भी बात करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग कह देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ देंगे। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? चार्ज जो है वो मोशन में होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है? और इसी में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम लोग कह देंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बारे में देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बारे में देखेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस होगा, और आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा
तो आप लोग शुरू से अंत तक देखें वीडियो को ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सके एग्जामिनेशन में, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस में, नीट में। तो यहाँ से आपका बेसिक लेक्चर शुरू होता है। बात करेंगे हम लोग किस पर, तो इलेक्ट्रो स्टेटिक्स की बात करते हैं। तो नोट करना है, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। चलिए मिटाते हैं आप। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स जिसको कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, चलो इससे वैद्युतिकी बेसिकली आप क्या जानते हो, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके बारे में अध्ययन करना ही हमारा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत में आएगा। यानी हम लोग कह देंगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत में आते हैं। अब बात करते हैं इसका यूजेस, किसमें आता है यूजेस या इसका एप्लीकेशन। अगर बात करें तो यूजेस या एप्लीकेशन में तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला यूजेस और एप्लीकेशन क्या होगा, तो फोटोकॉपियर मशीन में यूज करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही प्रक्रिया में जब चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट कर देते हैं तो हम लोग 1D ग्राफ जनरेटर वगैरह को भी बनाने हैं। वेंडी ग्राफ जनरेटर वगैरह को बनाने में करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि वेंडी ग्राफ जनरेटर के साथ साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो होती नहीं है क्या, मतलब जब बादल उदल गरजते हैं तो उसमें क्या होता है ना, विद्युत विसर्जन आता है, तो उसमें विद्युत विसर्जन बादल गरजने वगैरह में भी हम लोग देखते हैं। तो तीसरे कंडीशन में क्या देखते हैं, बादल गरजना या विद्युत विसर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे कंडीशन विद्युत विसर्जन वगैरह में भी हम लोग देखते हैं। इसीलिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे कि आप कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अगर आप कागज के टुकड़ों को जब चलती हुई टीवी के बाद जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप जब उस कागज के टुकड़े को क्या करते हो, उसके पास लेकर जाते हो, तो जैसे लाते हो तो चढ़ चढ़ की आवाज सुनाई देती है, वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इसी चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, होता नहीं, ऐसे बहुत सारे यूजेस होंगे जैसे फोटोकॉपियर मशीन वगैरह तो हो गया, वेंडीग्राफ हो गया, विद्युत विसर्जन में जैसे बादलों का गरजना वगैरह जो संबंधित होता है, इन चीजों को भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मिटा दे, चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग चार्जेस के बारे में। इसी के अंतर्गत में आता है चार्ज। अब आएगा क्या चार्ज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। चार्ज या आवेश को सबसे पहले अगर हम बात करें 600 BC में माल्थस के थैलस ने 600 बीसी पूर्व में पहले क्या देखा कि अंबर को जब फर्श से रगड़ा जाता है
तो अंबर एक प्रकार का रेजिन का टुकड़ा होता है। जब अंबर को फर्श से रगड़ा जाता है, फर्श से जो रगड़ा जाता है, तो क्या देखते हैं कि अंबर जो है अपने आसपास के छोटे छोटे धूल कणों को, साथ ही कागज के टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो वहीं से उत्पत्ति 600 BC पूर्व में हो चुकी थी। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? आवेश हम लोग जानते हैं क्या कि इसका ये तो एक कहानी थी। ठीक है, अब चार्जेस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, चार्जेस के बारे में क्या जानते हैं कि किसी पदार्थ में विद्युत आवेश जो होते हैं किसी पदार्थ में, ये उनके गुणों को बताता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आवेश का। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम होता है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका डायमेंशन अगर ले तो डायमेंशन अगर ले तो क्या होगा? ए और टी होगा। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एटी हो जाएगा। अब हमें बताइए आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का बड़ा मात्रक, तो आवेश का जो बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। ठीक है, तो फैराडे जो होता है जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। फैराडे को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। फैराडे को किससे डिनोट करेंगे? एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फैराडे, एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्लियर है बात को? अब इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? अगर हम सीजीएस मात्रक की बात करें, तो सीजीएस मात्रक में इसको कहा जाता है स्टेट कूलम कहा जाता है। ठीक है, कितना दूर तक नोट कर लिए बेटा इसको? चलो, तो हम लोगों ने क्या देखा, 400 BC में मार्कस के थैलस नामक ने क्या देखा था? अंबर के टुकड़े, अंबर को लिया और उसको जो है फर से रगड़ा, और फर से रगड़ने के बाद वो क्या देखते हैं कि जो है वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर देता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या हुआ? कूलम हो गया। इसका डायमेंशन एटी होता है, कूलम को, जिसको सी से डिनोट करते हैं। आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एफ। को एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। सीजीएस मात्रक में इसको स्टेट कूलम काइंड्स ऑफ चार्ज। तो काइंड्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार के? दो प्रकार के आप जान रहे हो, एक प्लस, दूसरा क्या? माइनस। ठीक है, दो प्रकार के चार्ज, प्लस और माइनस। तो चार्जों को इस प्रकार से देने वाले जो वैज्ञानिक थे तो वो थे कौन? तो मिलिकन, मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग में किया गया। ठीक है, मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग में दिया गया। ठीक है, एक प्लस और दूसरा क्या है? माइनस। ठीक है, अब यहां ध्यान रखें, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल की अट्रैक्ट, तो रिपेल करेगी। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ठीक है, यानी इसको कहते हैं हम लोग क्या? विकर्षित। क्या करेगी? विकर्षित। क्या करेगी? विकर्षित करेगी। ठीक है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगी? तो विकर्षित करेगी। उसके बाद माइनस और माइनस के जो नेचर होंगे वो भी क्या करेगी? एक दूसरे को रिपेल करेगी, ये भी विकर्षित करेगी। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगी? तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या करेगी? आकर्षित। क्या करेगी? आकर्षित करेगी, यानी अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इन सभी चीजों को जो है केवेंडिश के स्थिर विद्युतिकी में देखा गया था। इसमें देखा गया था केवेंडिश के स्थिर वैद्युतिकी में देखा जा सकता है। तो उन्होंने स्थिर वैद्युतिकी में यह भी नियम दिया कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे
को समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। अब कह देंगे क्या, असमान असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जैसा कि देखा गया प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षित करेगा, माइनस माइनस एक दूसरे को विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। उसके बाद हम लोग असमान प्रकृति यानी प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं बात कि यहां तक तो देख लिए हम लोग, ये सब सारी चीजों को देख लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, किसकी बात करेंगे, आवेशों का। नोट कर लें ठीक, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। चलिए ध्यान, आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब ये होता है, चलिए देखें इसको, कि जब हम कोई परमाणु की बात करते हैं, ये हमारे पास एक परमाणु है, तो आप जानते हो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, अब ये परमाणु हमेशा क्या हो जाते हैं, उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, प्रोटॉन पे चार्ज क्या प्लस, और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस पर आवेश नहीं, उसकी बात हम नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो इस पर चार्ज कैसा रह जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे उतने प्लस होते चले जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे उतने ही क्या होंगे, प्लस होंगे। यानी हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये माइनस में चार्ज है इसका। अब अगर बात करेंगे कि सर प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, तो प्रोटॉन पर चार्ज है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, सेम चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उस पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आप क्या देख रहे हो कि जब कोई पदार्थ से, ये कोई माने परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धनावेशित आ जाता है, अर्थात वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं, जब इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन तो यहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं। क्लियर है बात को, पॉजिटिवली चार्ज बड़ी करते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं जब कोई पदार्थ अपने से ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है, बाहर निकालती है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसके साथ साथ कुछ मास भी तो निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें हम लोग तो कितना होता है, 9.11×10⁻³¹ केजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात को। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इससे अगर इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह भी होता है कि ये बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो अपने साथ में मास भी लेकर आते हैं। तो अपने साथ में क्या कर दिए, मास लेकर आए। तो मास कितना था, 9.11×10⁻³¹ केजी मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.672×10⁻²⁷ केजी। अब बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन का, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों लगभग लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
64 गुना 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी, ये ध्यान रखें, ये चीज है, ठीक है। तो ये देखिए मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन समान होते हैं, इसीलिए जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान केंद्र पर होता है यानी नाभिक में होता है, ठीक है। और ये मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का इक्वल मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैटर से अगर किसी भी हम लोग ले लेंगे कोई भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो उस पदार्थ में कुछ न कुछ मास में डिफरेंस आ जाता है। हालांकि ये बहुत अल्पतम आता है लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसमें से कुछ न कुछ मास में डिफेक्ट जरूर आएंगे। तो चलिए इतना भी बात नोट कर सकते हैं आप। तो यही था आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मतलब क्या कहेंगे कि जब किसी पदार्थ से आवेश यानी कह देंगे क्या ऋणावेश आ रहा निकल रहा बाहर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन में मास है, इसका मतलब उस मेटल में जो है मास कम हो जाएंगे, ठीक है। आप बता सकते हो नोट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज प्रोटॉन पर चार्ज प्लस कर दो न्यूट्रॉन एन बराबर जीरो कोई चार्ज ही नहीं इसमें अनावेशित हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है बता दो। हाँ तो ये ध्यान में रखें इसी को कहा जाता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में छोटे छोटे बोर्ड के एग्जाम्स में बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये सब पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं तो आप बता सकते हो। और ये हमारा काम करेगा जब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोगों को काम देगा, ठीक है बताते। चलिए तो आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत तो हो गया। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्ज, किसकी बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्ज आवेशन की विधियां, ठीक है आवेशन की विधियां मेथड्स ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्ज ये है आवेशन की विधियां। तो सबसे पहला विधि हम लोग देखेंगे आवेशन की विधियां हो गया, तो सबसे पहला जो विधि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आवेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि दो बॉडी है, अब इस दोनों बॉडी में एक है चार्ज बॉडी और एक है अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये जो चार्ज बॉडी है और ये जो अनचार्ज बॉडी है इन दोनों की बात करते हैं। तो जब ये चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी जब आपस के संपर्क में आ जाते हैं तो ऐसा होगा कि इसके जो चार्ज होंगे ये ट्रांसफर होने लगेंगे, इसके चार्ज जो है ये ट्रांसफर होने लगेंगे इसमें। दूसरे कंडीशन में क्या देखेंगे कि अब इन दोनों को जो है ये दोनों के दोनों अनचार्ज बॉडी अगर होंगे तो उसको जब रबिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा। तीसरे कंडीशन में क्या देखेंगे कि ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक अनचार्ज बॉडी है, जब इनको दूर में ही लाया जाएगा चार्जिंग बाय द इंडक्शन किया जाएगा तो क्या इसमें कोई चार्ज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, तो इसी को कहा जाता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज बाय द कॉन्टेक्ट, चार्ज चार्जिंग बाय द कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट यानी हम लोग कहेंगे इसको कर सकते हैं आवेशन यानी संपर्क में आवेशन, संपर्क में आवेशन, संपर्क में आवेशन, ध्यान दें चार्जिंग बाय द कॉन्टेक्ट। इसमें क्या किया जाएगा कि जब लिखना डिफिनेशन भी लिखा रहे हैं कि जब कोई अनावेशित बॉडी, जब कोई अनावेशित बॉडी किसी आवेशित अनावेशित चालक के लिए इसको अनावेशित कंडक्टर बॉडी किसी आवेशित कंडक्टर बॉडी के संपर्क में आता है तो
समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहां देख लें डिफिनेशन को, यहां पर ऐसे देखें, आपने देखा होगा कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये बना रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना रहे हैं, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, ये हमने बनाया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये हमने क्या बनाया, इसमें एक चालक तार देकर इसमें गोल्ड लीफ दे दिया, ये क्या है हमारा दरअसल गोल्ड लीफ है, ठीक है, और ये क्या है कंडक्टर रॉड है, कंडक्टर रॉड, ठीक है, और यहां से एक हमने यहां पर एक गोला यानी चालक की टोपी लगा दिया, यानी कंडक्टर कैप कैप है, ठीक है, यानी चालक के, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई चालक की दिखाई दे रहा, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई चालक की बॉडी को, चालक की बॉडी को इसके संपर्क में लाते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है कोई चालक की बॉडी को, तो इसमें चारों तरफ से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए ये फैल जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब किसी चालक की बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करे, जब वो जब जब किसी जब किसी सॉरी जब कोई अनावेशित बॉडी किसी आवेशित कंडक्टर बॉडी के संपर्क में आता है तो समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ही इसमें देते हैं ये समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही था हमारा चार्जिंग बाय द क्या कॉन्टेक्ट, ठीक है, जैसे इसको कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये समान प्रकृति के आवेश इसमें आ जाते हैं, ठीक है, बेटा दोस्तों नोट कर सकते हो। हाँ, तो जितना आवेश यहाँ पर होगा उतना ही आवेश, ऐसा नहीं कि सारे आवेश चले जाएंगे इसमें, ऐसा नहीं होता है कि कुछ मात्रा में आवेश इसमें रह जाते हैं और कुछ मात्रा में इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो यानी दोनों का मात्रा की इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है, ठीक है, जितना होगा इस पर उतना ही फॉलो हो जाएगा इस पर भी, ठीक है, यानी दोनों की मात्रा एकदम इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं कि ये खाली हो जाएगा ये भर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये और ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएंगे। बेटा चलिए, तो हम लोगों ने देखा संपर्क में, दूसरा देखेंगे चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, यानी घर्षणात्मक विद्युतीकरण, दूसरा हो जाएगा चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, हम लोग कर सकते हैं घर्षणात्मक विद्युतीकरण, ठीक है। अब देखो क्या, ये एक कांच का टुकड़ा लिया, ये हो गया कांच, ये कांच का टुकड़ा है, कांच का है, तो कांच के रॉड को जब हम लोग रेशम के कपड़े, किससे रेशम के कपड़े से जब इसको हम रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं, कांच के रॉड पर धनावेशित आ जाते हैं, और ये जो रेशम है और इस पर क्या आ जाता है ऋणावेशित आ जाता है, ठीक है, तो ये धनावेशित हो जाता है, ये क्या हो जाता है ऋणावेशित, इसका मतलब ये हुआ कि कांच से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसमें हुआ रेशम में हुआ, इसलिए ऋणावेशित हो गया और ये क्या हो जाता है धनावेशित हो गया। आपको सीधी सी बात है कि कांच का जो मास होगा अब ये इसके मास से कम हो जाएगा, क्योंकि इसका मास क्या हुआ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इसका मास घट गया, ठीक है, तो यही होता है कि जब इसको आप रबिंग करोगे तो रबिंग करने में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही आप कांच को रेशम से रगड़ोगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें हो गया रेशम में हो गया, इसीलिए रेशम, ये है हमारा रेशम, तो जैसे ही हम इसको रगड़ते हैं ये है हमारा कांच, ठीक है, कांच है और ये हमारा क्या है रेशम है, जैसे ही आप इसको रगोगे यानी कि मतलब घर्षण करोगे तो कांच में कैसा आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा और रेशम में कैसा आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जब जब
दो पदार्थों को, जब दो पदार्थों को उचित, जब दो पदार्थों को उचित उचित रूप से घर्षण किया जाता है तो उसमें आवेश का स्थानांतरण एक बड़ी से दूसरे बड़ी में हो जाता है। आवेश का स्थानांतरण क्या होगा? एक बड़ी से दूसरे बड़ी में हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे आवेश ऋण आवेश जाएगा, इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? मास लेकर जाते हैं। ठीक, यही है कि जब दो पदार्थों को उचित रूप से घर्षण किया जाता है तो उसमें आवेश का स्थानांतरण एक बड़ी से दूसरे बड़ी में हो जाता है, अर्थात एक बड़ी जो है एक धनावेशित हो जाता है, धनावेशित बड़ी हो जाता है, और दूसरा जो है हमारा क्या हो जाता है? ऋणावेशित बड़ी हो जाता है। एक धनावेशित और दूसरा क्या हो जाता है? ऋणावेशित बड़ी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों देखे होंगे कि जब बचपन में जब जन्मदिन होता है किसी का, तो क्या होता है ना कि गुब्बारे को जब दीवार में चिपकाना होता है तो गुब्बारे को बाल में से रगड़कर उसको दीवार में चिपका दिया जाता है। तो यही होता है ऐसा ही, क्योंकि क्या होते हैं गुब्बारे अपने से इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग क्या करते हैं कंघी करते हैं, तो कंघी करते हैं तो क्या देखते हैं बाल अपने आप फैल जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि सारे बाल जो होते हैं आपके सर के जो बाल होते हैं वो सेम चार्ज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपेयर करते हैं। तो जैसे सेम चार्ज होता है तो रिपेयर करते हैं तो बाल अपने आप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो आपने देखा होगा ये कि फैल जाते हैं बाल, सब बाल फैल जाते हैं। ठीक है, ये था घर्षणात्मक विद्युतीकरण। ठीक है, बता दें इसको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन। थर्ड पॉइंट होगा चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय द इंडक्शन यानी कि मतलब होता है प्रेरण द्वारा आवेश या प्रेरित आवेश, या कह सकते हो प्रेरित आवेश। ठीक है, तो आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। होता क्या है कि जब किसी, हम यहां ले लेते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं, ये गोला बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से गोला बना दिया हमने, ये कुछ अलग स्टैंड है यानी इंसुलेटर स्टैंड है ये। ठीक है, ये होता है कंडक्टर है। ठीक है, यानी चालक के स्फीयर, कंडक्टर स्फीयर ले लिए, चालक के गोला। ठीक, अब क्या किए, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या किया गया, इसके निकट आया। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो जैसे इसको निकट लाते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे ये प्लस 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 इसके निकट आता है तो इसके निकट आने पर सारे के सारे माइनस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इस गोले के अंदर में, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके दूसरे तरफ आ जाएंगे। यानी यहां क्या देखा गया, वहां तो हम लोगों ने देखा दो कंडीशन में क्या देखा, तो एक तो संपर्क कराया, लेकिन यहां विदाउट कॉन्टेक्ट, यानी हम लोग कह सकते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन मतलब ये क्या हो रहा है, विदाउट
विदाउट कॉन्टैक्ट यानी बिना किसी कॉन्टैक्ट में, बिना किसी संपर्क में, यानी कह सकते हैं हम लोग ये क्या है, तो बिना किसी संपर्क, बिना किसी संपर्क में, तो बिना किसी संपर्क में जो है हम लोग क्या कहेंगे, बिना किसी संपर्क में तो विदाउट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब यहां जैसे इस पर आते हैं तो ये माइनस माइनस टर्म आ जाते हैं, चलो भैया यहां तो आ गया प्लस प्लस, अब क्या करेंगे। तो अगर हम इस गोले पर केवल और केवल हमको नेगेटिव चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक और स्फीयर लाना होगा, क्या करना होगा, एक और स्फीयर को लाना होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो जैसे ही आप एक और स्फीयर को लाओगे इसके निकट, जैसे ही आप एक और स्फीयर को लाओगे, ये भी एक स्फीयर आ जाएगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, अब इस जो गोला, पहले वाले जो गोला थे, अब उस पर सब का सब क्या बच जाएगा, नेगेटिव बच जाएगा, और दूसरे गोले पर जो होंगे तो सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो एक तो हो गया नेगेटिव और एक हो गया क्या, पॉजिटिव, तो एक हो गया नेगेटिव पार्ट वाला, दूसरा क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट वाला। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, तो दो गोला, एक जैसे एक गोला लिया था तो एक में नेगेटिव एक तरफ और एक तरफ पॉजिटिव आ गया, अब हमको इसको नेगेटिव ही करना है, तो दूसरा कंडक्टर को लाओ, कंडक्टर स्फीयर को लाओ, कंडक्टर स्फीयर, कंडक्टर स्फीयर को लाओ। जैसे तुम कंडक्टर स्फीयर को लाओगे, जैसे लाओगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ी और ये हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ी, ये भी तो हो जाएगा हमारा इंसुलेटर स्टैंड हो जाएगा, क्या है, इंसुलेटर स्टैंड, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने, चार्जिंग बाय द इंडक्शन, यानी चार्जिंग बाय द इंडक्शन में कि जब कोई आवेश चार्ज, लिख देते हैं डिफिनेशन कि जब कोई आवेशित बड़ी को, सॉरी आवेशित बड़ी को स्फीयर के, स्फीयर कंडक्टर स्फीयर ले लेते हैं, कंडक्टर स्फीयर के निकट लाते हैं तो उनमें विपरीत प्रकृति यानी अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति के समान मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। सही है। तो हम लोगों ने क्या समझा, तो तीनों मेथड हम लोग समझ गए, चार्जिंग बाय द इंडक्शन, तो पहला मेथड हम लोगों ने समझा चार्जिंग बाय द कॉन्टैक्ट, दूसरा मेथड हमने समझा चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन यानी जब घर्षण किया जाता है, तीसरा कंडीशन क्या रखा, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। आज सर बड़े दिनों के बाद आए हैं, अरे आज का मौसम भी बहुत अच्छा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चलिए बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि मतलब आवेशों का गुण, ठीक है। तो आवेशों का गुण में पहला क्या देखें, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी आवेशों की योज्यता, जिसको हम लोग कहेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों का चार्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, देयर पॉइंट थीटी, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चा लोग, तो स्केलर, ठीक है, स्केलर, हाँ सर पहले नहीं बताए थे, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी स्केलर, तो यानी इसको जब हम जोड़ेंगे तो सामान्य विधि द्वारा इसको जोड़ दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि मतलब कहेंगे कि किसी निकाय में, किसी आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में इधर उधर, इधर इधर उधर रखिए चार्ज, चार्ज को किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल चार्ज, कुल चार्ज ऐसे लिख दो, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल चार्ज इधर उधर रखे चार्ज को, यानी उसी सिस्टम में, उसी सिस्टम में इधर उधर रखे चार्ज, इधर उधर रखे चार्ज को बीज गणित योग द्वारा, बीज गणित योग द्वारा जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो जब तक, चलिए हम इसको आपको फील कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी निकाय में आप इसको उतारो, मैं तब तक अपने मार्कर को इंक पिलाकर आता हूं, हमारे मार्कर ने इंक पी लिया, चल हो गया, तो चलिए इसको हम लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल्स देते हैं, तो बिना न्यूमेरिकल्स के फील नहीं आता, बिना न्यूमेरिकल्स के फील नहीं आता, चलिए इसका न्यूमेरिकल्स देते हैं, देखें तो क्वेश्चन है कि कोई निकाय में है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया कि किसी निकाय में QA एक है +2.5 गुना 10^-7 कूलम, और QB दे दिया -2.5 गुना 10^-7 कूलम, तो आपको बताना है सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको बताना है Q नेट बराबर क्या होगा, Q नेट बराबर वाट, क्या करेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, निकाल पॉज करके निकालो, चलो निकालते हैं, Q नेट बराबर क्या होगा, Q नेट बराबर कर देंगे QA +QB, क्योंकि दैट इज द स्केलर क्वांटिटी हमेशा जुड़ जाएगा, तो QA बराबर हो जाएगा +2.5 गुना 10^-7 कूलम, और यहां हो जाएगा माइनस कर देंगे 2.5 गुना 10^-7 कूलम, दोनों कट मार के जीरो हो जाएगा, यानी Q नेट हमारा किसी सिस्टम में क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, तो ये रहा न्यूमेरिकल्स, इसलिए चलिए अब दूसरे कंडीशन में आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगला आ जाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगला पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्जेस, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, तो देखें तो क्या होता है कि आवेश का हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, बल्कि इसका रूपांतरण ट्रांसफर एक से दूसरे में होता है, ठीक है, यानी कर सकते हैं क्या, आवेशों का ना तो निर्माण किया जा सकता है, जा सकता है, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है,
और क्या कहेंगे, किसी सिस्टम, किसी आइसोलेटेड किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश संरक्षित रहते हैं, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश क्या रहते हैं, चलिए ठीक है, कैसे, चलिए इसको भी फील कराते हैं। कैसे फील कराते हैं, तो ये मान लीजिए एक सिस्टम है, इस पर है प्लस 6 कूलम, फिर है माइनस 3 कूलम, फिर है प्लस 2 कूलम। अब इसको हमने क्या किया, हिला दिया, जोर से हिलाया, ठीक है। हिलाने के पश्चात इस सिस्टम में प्लस 3 कूलम आ गया, एक आ गया माइनस 2 कूलम। अब तीसरा वाले में क्या होगा, वाच, अब बताइए क्या होगा, तीसरा कैसे बनाएंगे, तो वही हो गया, आवेश संरक्षित होते हैं, तो इसमें जितना आवेश है प्लस 6 कूलम, प्लस 6 सिंपली जोड़ देते हैं, माइनस 3 प्लस 2 बराबर, इसमें कितना आवेश है प्लस 3 माइनस 2 और इसको मान लिए प्लस x, ठीक है। अब क्या देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं 6 2 8 में 3 दिया 5 बराबर प्लस 3 माइनस 2 प्लस x है, तो ये आ जाएंगे घट करके इधर, तो 5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा x, देन x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 4 कूलम, यानी इस पर अब जो चार्ज होगा प्लस 4 कूलम। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होते हैं। अगर आप इसी तरह से आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे तो किसी भी निकाय में डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी वो क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश संरक्षित रहते हैं, अर्थात संरक्षित मतलब नियत भी रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं कि आवेश अचरता, आवेशों की अचरता। चलिए अगला पॉइंट हो जाएगा, तीसरा नोट कर ले, बना लिया, नोट करते रहे। आवेशों की अचरता, इनहेरियंस ऑफ चार्ज, थर्ड हो जाएगा इनहेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है, इनहेरियंस ऑफ चार्ज, चार्जेस, आवेशों की अचरता। ऐसा है कि आवेश को आप क्या करो कि रॉकेट में उड़ा दो, आवेश को ले लो सिस्टम में, आवेश से रॉकेट में उड़ा दो, क्या उसके मास में कुछ बदलाव आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आवेश के चर्चा नियम का मतलब क्या हो जाता है कि आवेश को यदि किसी सिस्टम में आवेश है और उसको हमने कितनी भी स्पीड से अगर उसको हमने छोड़ दिया तो आवेश जो होते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी आवेशों की अचरता का मतलब यह हुआ कि जब किसी निकाय के आवेशों को कितनी भी स्पीड से मोशन में लाया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन उसके आवेश में, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात क्यों जब रेस्ट में होगा बराबर क्यों जब यही क्या होगा मोशन में होगा जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मास डिफेक्ट होगा। जैसे मास डिफेक्ट के लिए m बराबर आपने पढ़ा होगा, m बराबर यानी जब मास गति में होगा तो मास घटता है, देखिए यहां समझिए आपको, मास में डिफेक्ट आ जाती है, m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो यही हो जाता है मास। यानी आप कह सकते हैं क्या कि मास में चेंजेस आ जाती है, ओके है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये हड़बड़ी भी जो है ना इंसानों को ले ढूंढती है। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चौथा हो जाएगा
चौथा पॉइंट हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण। अब हम लोग अंतिम आ गए, अंतिम पार्ट में, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो चलो देखें आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है, देखें उसको। देखिए आवेश जो होते हैं, ये जो Q है चार्ज, बराबर ये होता है प्लस माइनस एन ई, ठीक है, ये होते हैं चार्ज, इसको क्या कहते हैं हम लोग चार्ज, जो कि किसमें होता है, कूलम में होता है, या हो सकता है माइक्रो कूलम में, तो माइक्रो कूलम को क्या कहेंगे, माइनस 10^-6 कूलम, या कहेंगे नैनो कूलम, तो नैनो कूलम के लिए हम लोग क्या करेंगे 10^-9 कूलम। क्लियर है बात को, चलिए समझिए। ये हमारा क्या है, इंटीजर नंबर, ये है इंटीजर नंबर है, ठीक है, बहुत सुंदर। और ये हो जाते हैं अमाउंट ऑफ, यानी हम लोग कह सकते हैं ये हो जाते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6×10^-19 कूलम, ठीक है, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस पर, जैसे कि एक न्यूमेरिकल होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो होते हैं, चार्ज होते हैं वो क्वांटमीकरण होते हैं, यानी कि मतलब जब किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज का जो ट्रांसफर होगा, तो वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा, यानी चार्ज का जो ट्रांसफर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो पूर्ण संख्या, जैसे प्लस माइनस ई में होगा, या प्लस माइनस टू ई में होगा, प्लस माइनस थ्री ई में होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्लस माइनस ई बाई टू होगा या प्लस माइनस, जैसे ये जो है ये फॉलो होगा, यानी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन प्लस ई, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस टू ई, प्लस माइनस थ्री ई, प्लस माइनस थ्री ई के रूप में होगा, ठीक है, प्लस माइनस थ्री ई के रूप में होगा, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस के रूप में होगा। ये कभी भी जैसे आपने देखा होगा प्लस माइनस ई बाई टू या प्लस माइनस टू ई बाई टू ई बाई थ्री, इस तरह से ये फॉलो नहीं करेगा, कभी भी बटे में ये इलेक्ट्रॉन का फॉलो नहीं होगा, ध्यान रखें। तो ये कभी भी इस रूप से फॉलो नहीं करेगा, ये केवल और केवल एक पूर्ण संख्या के रूप में ट्रांसफर होगा, यानी आप किसी से आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, यानी ट्रांसफर अगर करना है तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। तो यही है हमारा क्वांटमीकरण में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद ही फील आता है, जैसा कि मेरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड होता है ज्यादातर, किसी बॉडी को एक कूलम धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। चलिए बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे, चार्ज दिया हुआ है q=1 कूलम दिया हुआ है, n नहीं पता, e तो पता है 1.6×10^-19 कूलम, ये भी पता है। चलिए n बराबर क्या कर लेंगे, q बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलिए, n ही होता है, n का वैल्यू निकालना है, तो n बराबर q/e हो जाएगा, q कितना, एक हो जाएगा, e का मान 1.6×10^-19 हो जाएगा। अब इसको लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25×10^18 कूलम हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, 10^18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल्स बनाओ, जैसे कि एक कप जल की बात बोलते हैं हम लोग, जैसे कि एक कप जल यानी कितना, 250 ग्राम लगभग होता है, जल में कितने इलेक्ट्रॉन या
प्रोटॉन है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या निकाल लेंगे इसका, कब जल, यानी m बराबर हो गया हमारा 250 ग्राम, ठीक है। मॉलिकुलर मास क्या हो जाता है, m बराबर, ठीक है। मॉलिकुलर मास हो जाएगा जैसे कि H2O है, तो H2O का क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस हो जाएगा कितना, हाँ ठीक है, तो 16 हो जाएगा, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा, ठीक है। अब H2O में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, या इसी को कहते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी H2O में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर 2 होगी, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर या 10 प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले n निकाल लेते हैं, n बराबर क्या, स्मॉल m बटे क्या, यही नहीं करेंगे, 250 ग्राम बटे बड़ी m, ठीक है, 250 गुना क्या हो जाएगा Na, यानी Na क्या होगा, तो एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। कितना वैल्यू होता है इसका, 6.022 × 10⁻², ठीक है। तो n बराबर निकाल लिए हम लोग, तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे q बराबर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 गुना, अब यहां से निकालिए m, छोटी m कितना, 250 बटे बड़ी m कितना होगा, 18, एवोगाड्रो नंबर कितना, 6.022 × 10⁻², और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर ला दोगे, तो 1.33 × 10⁻⁷ कूलम होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यू बराबर चार्ज निकल गया हमारा, ठीक है, हो गया। तो यही तक रहा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आगे का लेक्चर के लिए, ध्यान, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें।